बजे से ही श्रावस्ती जिले में द्वितीय चरण का नामांकन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चलता रहा, जो शाम 5 बजे खत्म हुआ। द्वितीय चरण के नामांकन में भाजपा के पूर्व सांसद व भाजपा विधायक के बड़े बेटे ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कराया है नामांकन। आगामी 15 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर श्रावस्ती जिले में नामांकन कराने को लेकर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर ली गई थी। आज द्वितीय चरण का नामांकन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गेट पर ही सैनिटाइज कराया गया तथा थर्मल स्क्रीनिंग कर मास्क लगाकर अंदर प्रवेश करने दिया गया। मैं पूर्व मंत्री पूर्व सांसद के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता भी हूँ और पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों का अच्छा पालन करना हमारा नैतिक दायित्व और कर्तव्य है। आज जब पार्टी नेतृत्व द्वारा हमें निर्देश दिया गया कि आपको जनपद श्रावस्ती के वार्ड नंबर 17 से जो है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना है, तो उसी आदेश के अनुक्रम में आज हमने अभी अपना नामांकन दाखिल किया है। क्या मुद्दा रहेंगे? सरकार का एक ही मुद्दा है, वो है विकास का। थैंक यू।